आपदा न्यूनीकरण दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को आपदा के समय कैसे बचा जाए इसको लेकर जागरूक किया गया। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन, पुलिस और होमगार्ड द्वारा लोगों को आपदा को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समर्थ अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में स्कूली छात्रों ने रैली का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने लोगों को आपदा से बचने के लिए जागरूक किया। साथ ही हिमाचल के सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थानों व सरकारी विभागों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। जिला प्रशिक्षण समन्वयक नेहा शर्मा ने कहा कि हर साल 13 अक्टूबर को आपदा दिवस मनाया जाता है। इस बार 1 अक्टूबर को ही इसके तहत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों, स्कूल कॉलेजों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसके अलावा 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक समर्थ अभियान चलाया गया था और लोगों को आपदा से बचने के गुर सिखाए गए हैं। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा से जोखिम से बचने के लिए और इसकी एक्टिविटीज 1 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर को ग्राम सभा में सभी पंचायत मेंबर्स के लिए एक आयोजन किया गया था, जिसमें डिजास्टर और सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया। उसके और इसकी एक्टिविटीज 1 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर को ग्राम सभा में सभी पंचायत मेंबर्स के लिए एक आयोजन किया गया था, जिसमें डिजास्टर और सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया। उसके बाद 11, 12, 13 को डिस्ट्रिक्ट शिमला में डिजास्टर रिडक्शन पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हुई हैं। 11 को एक सिटीजन सॉलिडेरिटी मार्च हुई थी, जिसमें स्कूल के बच्चों, बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट और कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। NYKS, NGOs, ITVP, होम गार्ड, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सिटीजन सॉलिडेरिटी मार्च के बाद गेटी थिएटर में एक आपदा प्रबंधन के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एक क्विज कंपटीशन था, नुक्कड़ नाटक था और फिल्म शो था, जिसमें डिजास्टर के ऊपर अवेयरनेस जनरेट की गई। उसके बाद यहाँ पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, जिसमें जो हमारे ADC है अपूर्व देवगन, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि फायर सर्विसेज है, होम गार्ड्स है और हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो हेल्थ जो है वो बेसिक फर्स्ट एड और CPR पे लोगों को CPR की टेक्निक्स बता रहा है। फायर और होम गार्ड्स डिफरेंट सर्च एंड रेस्क्यू और जो फायर इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर लोगों को जागरूक कर रहा है। उसके अलावा 108 भी है, 102 भी है, सीज फायर है, NGOs है, जो लोगों को अलग अलग चीज़ों में अवेयर कर रहे हैं कि डिजास्टर से हम कैसे बच सकते हैं।